हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनवेशास क्रिएटिविटी। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि सभी को अपना घर अपने स्वर्ग के तरह ही लगता है और स्वर्ग के समान ही लगता है, तो मुझे भी अपना घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। तो मैंने अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट किया है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। यानी कि मैं अपने घर का होम टूर आपके साथ में शेयर करूंगी। हालांकि मैंने पहले भी एक बारी आप सब लोगों के साथ में शेयर किया था, लेकिन अभी थोड़े से चेंजेस मैंने उसमें किए थे दीपावली के आसपास। तो उसके बाद मैंने जो चीजें नई ऐड की थी या जो भी अपडेट किया था उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप मुझे देख करके बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट देख करके ही मुझे पता चलता है कि आप लोग, मेरी फैमिली मुझे कितना प्यार करती है। तो प्लीज मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करती हूँ मैं अपने ड्रॉइंग रूम से। ड्रॉइंग रूम में मैंने ये सोफा लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटे कुशन लगाए हैं, और इस वॉल पर मैंने लगाया है ये बटरफ्लाइज, साथ ही ये लैंप लगा है, और ये आ जाता है मेरा सेंटर टेबल। सेंटर टेबल पर ये रनर, और ये कोई ओकेजनली नहीं है, मुझे अपना घर हमेशा ही ऐसा रखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है मेरा घर डेकोरेटेड रहे, हालांकि मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करती हूँ। और ये कैंडल होल्डर जो है ये DIY है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी क्योंकि मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। और ये पेबल्स लगा करके मैंने बाउल में रखे हैं, और साथ ही फ्लावर्स लगाए हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसी के बराबर में मैंने ये एक छोटा सा काउच अलग से लगाया है। ये मेरा दूसरा दरवाज़ा है साइड वाला, आप देख सकते हैं ये कर्टन लगाए हैं। और इसके साथ ही ये छोटा सा काउच है, और ये भी एक DIY है। इसका मैं वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि मैंने बहुत पहले बनाया था इसको, कई साल हो गए। तो ये वॉल पर लगा है, ये मिरर वाला है, बहुत इजी है। और ये भी हार्ट शेप के जो हैं, ये भी एक DIY है। ये मेरी वॉल, ये POP सीलिंग हो रखी है यहाँ पर, यहाँ लाइट्स लगी हैं। और ये वॉल पर जो हार्ट शेप के लगे हैं ये एक DIY है, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बुद्धा पेंटिंग जो आप देख रहे हैं वो भी मैंने DIY किया था, इसका भी मैं, याद रहेगा तो मैं डाल दूंगी। और साथ ही ये पॉम्पॉम ट्री, लाइटेड पॉम्पॉम ट्री जो है ये भी मैंने DIY करके ही बनाया था, जिसका वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ। ये रात में मैंने अभी क्रिसमस के टाइम पर इसमें लाइट्स लगाई थी, रात को मैं जलाती हूँ डेली, ये बहुत सुंदर लगता है मेरे को, और मैं इसको रोज़ जलाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ये है कैंडल होल्डर, इसमें भी जो हमेशा मैं कैंडल जला कर रखती हूँ, आज जलाई नहीं है, ये देखिए। और ये अलार्म क्लॉक है, साथ ही शोपीस, इसके पीछे एक मनी प्लांट का छोटा सा पॉट रखा है, ये भी मैंने एक DIY किया था, इसका लिंक भी मैं आपको अपने इसमें आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ये एक टेबल लगाई है जिसके ऊपर मैंने, ये देखिए ये टेबल लगाई है, इसके ऊपर एक मैंने क्लॉथ लगाया है। ये बर्नी, जैसे अचार की बर्नी होती है, दही वगैरह अचार वगैरह की जो बर्नी होती है, उसके अंदर मैंने ये पॉम्पॉम ट्री को रखा है। ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा इसी सोफे पर बैठती हूँ,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने ये जो FM रखा है, ये FM है, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। मैं रोज़ सुबह में और शाम में इसको चलाती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ और यहाँ पर म्यूज़िक बजता रहता है, तो देखने में भी सुनने में भी अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसके साथ में ये वॉल पर मैंने एक छोटा सा पेपर का DIY किया था। ये बहुत पुराना है, ख़राब भी हो चुका है। अभी बजा है 7:45 और ये मैंने, ये देखिए, ये गणपति की एक छोटी सी की होल्डर है, मैंने यहाँ लगा दिया था। ऊपर लाफिंग बुद्धा है और ये लकड़ी का ये की होल्डर था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मैंने की होल्डर बनाया था तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं हुई। मैंने उसके अंदर के जो नेल होते हैं वो मैंने निकाल दिए थे और ये एज ए डेकोरेशन पीस मैंने लगा दिया था। अच्छा लग रहा है, इतना ख़राब भी नहीं है। और ये वॉल पर मैंने घड़ी लगाई है। इसके साथ वाली वॉल पर ये देखिए, ये सर्कल्स मैंने डिज़ाइन लगाए हैं और यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये भी बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए, ये मेटल की है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है बट देखने में सुंदर लगती है। ये आप देख चुके हैं, मेरी बेल लगी है यहाँ पर। और इसके बराबर में मेरा रखा है ये डाइनिंग टेबल। ये डाइनिंग टेबल है, इस पर मैंने नेट का कवर लगाया है, डेली यूज़ में मैं इसी को लगा करके रखती हूँ। और ये रनर लगाया है, जब फेस्टिवल वगैरह होता है तभी मैं चेंज करती हूँ। तो ये इसके ऊपर मैंने फ्लावर पॉट रखा है और इसमें मैंने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, और वो है आज का न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून। पंजाब में ट्रिब्यून बहुत फेमस है, ट्रिब्यून ही चलता है। तो ये है मेरा डाइनिंग टेबल। यहाँ पर हम लंच तो हमेशा करते हैं बट डिनर हम रजाई में ही करते हैं। आजकल विंटर है तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं कर पाते। तो ये है मेरे लिविंग एरिया का एक व्यू, और इस लिविंग एरिया के साइड में ही आप ये देखिए, इधर अगर हम टर्न करते हैं तो ये है मेरा मास्टर बेडरूम, जिसका दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि इसका टूर मैं आपको बाद में कराऊंगी। और ये वॉल पर ये देखिए, ये किचन, सॉरी, बेडरूम का है, ये दूसरा बेडरूम है। इसके सेंटर में मैंने लगाई हैं कुछ पिक्चर्स, मेरी डॉटर की, मेरे हस्बैंड की। और ये है मेरा दूसरा दरवाज़ा, ये मैंने साईनाथ की एक फ़ोटो लगाई हुई है। और यहाँ लैंप है, ये भी मैंने एक DIY किया था क्योंकि काफ़ी पुराना है। इसका लिंक मैं आपको दे नहीं पाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, मैंने बहुत पहले बनाया था और इसका मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और ये आ गया मेरा किचन, टू किचन का एंट्रेंस, ये देखिए, किचन का टूर मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। ये देखिए, अभी शाम हो रही है और मैंने फ्रेग्रेंस कैंडल जलाई है। ये भी बॉटल भी मैंने एक DIY किया था। मेरे घर में आपको काफ़ी सारे DIYs मिल जाएंगे क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक भी है, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो ये पहले ही मैं कर चुकी हूँ, ये मेरी डॉटर ने बनाया था।
देखिए, और 8 चंद्र ग्रहण है जिसकी वजह से मैंने मंदिर में जोत नहीं लगाई है, पूजा नहीं की है। यहाँ बर्तन मेरी मेड आकर के धो करके रखी गई थी, और यह है वो चेयर जहाँ पर बैठ करके मैं, जिस पे चढ़ करके सॉरी मैं पूजा करती हूँ। और ये किचन के बराबर में ही है मेरा दूसरा रूम, मेरी डॉटर का रूम है, जिसका मैं टूर आपके साथ में शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर याद रहेगा तो मैं आई बटन पर डाल दूंगी। देखिए ये मैंने मैट लगाया हुआ है, और ये उसका रूम है, यहाँ पर उसकी पिक्चर्स लगी हैं। ये अलमीरा है यहाँ, यहाँ पर वो पढ़ रही है, और इधर पीछे मेरी बालकनी आ गई है। अब देखिए अभी रात हो रही है तो अंधेरा है, इसलिए यहाँ पर मैंने छोटा सा इसका मैं आपके साथ में किसी दिन वीडियो शेयर करूँगी, मेरा बालकनी कैसा है। हाँ, मेन चीज़ तो रही गई ये जो बाथरूम है, ये वॉशरूम, ये मेन बाथरूम है हमारा, लिविंग रूम से साथ में ही लगता है। तो ये है एक बाथरूम, एक बाथरूम मेरी डॉटर के रूम से अटैच्ड है ये, तो ये दो बाथरूम है। तो ये था मेरे होम स्वीट होम का एक टूर छोटा सा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही जो बेल बटन लगा होता है उसके बराबर में, उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट बॉक्स जो है ना नीचे, वीडियो के नीचे आता है कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।